गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे मात्रक एवं मापन, और उसमें अपन पढ़ रहे थे विमीय समीकरणों के उपयोग। विमीय समीकरणों के उपयोग में से अपने दो उपयोग अपन ने पढ़ लिए थे कि विमीय समीकरणों की सहायता से अपन किसी भी समीकरण की सत्यता की क्या कर सकते हैं, जाँच। और दूसरा उपयोग अपन ने पढ़ा था कि विमीय समीकरणों की सहायता से किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित। आज अपन विमीय समीकरणों के तीसरे उपयोग को पढ़ रहे हैं कि विमीय समीकरणों की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य क्या स्थापित कर सकते हैं, सूत्र। टू एस्टेब्लिश द फॉर्मूला बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो विमीय समीकरणों की सहायता से अपन विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य क्या स्थापित कर सकते हैं, सूत्र। तो अपन पढ़ रहे हैं विमीय समीकरणों के उपयोग, और विमीय समीकरणों के उपयोग में अपन तीसरा उपयोग पढ़ रहे हैं विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य सूत्र स्थापित करना। तीसरा उपयोग अपन पढ़ रहे हैं कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य सूत्र स्थापित करना। विमीय समांगता सिद्धांत की सहायता से, विमीय समांगता सिद्धांत क्या होता है कि अगर किसी समीकरण में जितने भी पद दिए गए अगर उन सब पदों की विमाएं समान होती है तो समीकरण विमीय समांगता सिद्धांत की पालना करती है और समीकरण विमीय रूप से क्या होती है, सत्य। तो विमीय समांगता सिद्धांत के आधार पर अगर अपन को यह दिया जाता है कि किसी भौतिक राशि कौन कौन सी राशियों पर निर्भर कर रही है, तो विमीय समांगता सिद्धांत की सहायता से इन विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य अपन क्या स्थापित कर सकते हैं, सूत्र। और प्रिंसिपली ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस या विमीय समांगता सिद्धांत अपन को यह कहता है कि यदि किसी समीकरण में जितने भी पद दिए गए उन सब पदों की विमाएं समान होगी तो समीकरण विमीय समांगता सिद्धांत की पालना करती है और समीकरण विमीय रूप से क्या होती है, सत्य। अब इस तरीके का अपन किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि सरल लोलक का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई व कृत्वत्वण को अपन लिखते हैं स्मॉल जी पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि द्वारा इन राशियों में सूत्र स्थापित कीजिए। तो विमीय समीकरण का अपन तीसरा उपयोग पढ़ रहे हैं कि विमीय समीकरणों की सहायता से अपन विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य क्या स्थापित कर सकते हैं, सूत्र। क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्व त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो यदि सरल लोलक का आवर्तकाल सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्व त्वरण जी पर निर्भर करता है तो इन राशियों के मध्य विमीय विधि द्वारा क्या स्थापित कीजिए, सूत्र। अब आपको बताया इसमें सरल लोलक का आवर्तकाल टी एक तो निर्भर करता है सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई और एक निर्भर करता है गुरुत्व त्वरण जी। इस तरीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आपको दे रखा है सरल लोलक का आवर्तकाल
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल। अब सरल लोलक के आवर्तकाल को मैं किससे लिखूंगा? टी। सरल लोलक का आवर्तकाल, एक तो सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई, और एक निर्भर करता है गुरुत्व त्वरण जी पर। तो जिन पर निर्भर करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करो। तो सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है एक तो लंबाई पर, एक निर्भर करता है गुरुत्व त्वरण जी पर। अब मान लीजिए इस लंबाई की विमा तो है ए और गुरुत्व त्वरण की विमा है बी। तो जिन पर निर्भर करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना। और माना यह लंबाई की विमा ए और गुरुत्व त्वरण जी की विमा पी। अब कोई भी समानुपाती चिन्ह खोलते हैं तो अपन एक नियतांक लगा देते हैं, टी इज इक्वल टू के इन टू एल की पावर ए और जी की पावर पी, समीकरण नंबर एक। अब वी में समांगता सिद्धांत से यह समीकरण सत्य होगी अगर इस समीकरण की LHS और RHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की विमाएं क्या है? समान। तब तो यह समीकरण वी में रूप से सत्य होगी, अदरवाइज यह समीकरण असत्य। अब इसमें अपन को बताया डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की अगर अपन विमा लिखते हैं तो टी तो आवर्तकाल है, टी आवर्तकाल, और आवर्तकाल की विमा होगी बेटा एम जीरो एल जीरो टी की पावर वन। एल है वो है बेटा इफेक्टिव लेंथ, प्रभावकारी लंबाई, इसकी डायमेंशन होगी एम जीरो एल वन टी की पावर जीरो। जी कौन सा त्वरण है? कृत्व त्वरण स्मॉल जी, इसकी विमा होगी एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस टू। तो क्वेश्चन अपन को करना है कि सरल लोलक का आवर्तकाल जिस पर निर्भर करता है उसके समानुपाती करना है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल टी एक तो निर्भर करता है उसकी प्रभावकारी लंबाई और एक निर्भर करता है गुरुत्व त्वरण जी। तो मैंने लिख दिया टी प्रोपोर्शनल एल की पावर ए इंटू जी की पावर पी। तो यहाँ कोई भी समानुपाती चिन्ह खोलेंगे तो अपन एक नियतांक लगाएंगे, टी इज इक्वल टू के एल की पावर ए जी की पावर पी। अब यहाँ टी आवर्तकाल है, ए लंबाई है और जी कौन सा त्वरण है? गुरुत्व त्वरण। तो आवर्तकाल की विमा तो होती है एम जीरो एल जीरो टी वन, लंबाई की विमा होगी एम जीरो एल वन टी जीरो, और गुरुत्व त्वरण की विमा होती है एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस टू। इन विमाओं को अपन किस में लिखेंगे बेटा? समीकरण नंबर एक। तो इसमें विमा लिखेंगे तो देखो विमा है समीकरण एक में लिखने पर टी आवर्तकाल, आवर्तकाल की विमा एम जीरो एल जीरो टी की पावर वन, के कोई कांस्टेंट है इसकी कोई भी विमा नहीं होगी, एल लंबाई इसकी विमा एम जीरो एल वन टी की पावर जीरो पावर ए, जी गुरुत्व त्वरण एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस टू और पावर बी। बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो सॉल्व आउट करने पर एम जीरो एल जीरो टी वन के जीरो को ऐसे गुणा किया जीरो, एक को ऐसे गुणा किया ए टी की पावर जीरो, एम की पावर जीरो एल की पावर बी टी की पावर माइनस टू बी, क्योंकि बाहर वाले पावर को अंदर वाले पावर से मल्टीप्लाई। जिनका आधार समान होगा उनकी घातीय परस्पर जुड़ जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी वन, के कांस्टेंट है ही इसकी कोई विमा नहीं होगी, एम की पावर जीरो एम की पावर जीरो एम की पावर जीरो, एल की पावर एल की पावर बी, आधार समान होने पर घातीय परस्पर जुड़ जाएगी ए प्लस बी, टी की पावर जीरो टी की पावर माइनस टू बी, तो टी की पावर माइनस टू।
अब देखो इस समीकरण का ये LHS पद, ये कौन सा पद RHS, ये समीकरण भी में रूप से सत्य तब होगी जब इस समीकरण के इन दोनों पदों की विमाएं समान, और ये समीकरण किस सिद्धांत की पालना करेगी, विमीय समांगता सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिट्री या विमीय समांगता सिद्धांत से, अब विमीय समांगता सिद्धांत से ये समीकरण विमीय रूप से सत्य तब होगी जब इस समीकरण के दोनों पदों की विमाएं समान, यहां m की विमा जीरो, यहां भी m की विमा जीरो, यहां l की विमा a प्लस बी, यहां l की विमा जीरो। तो ये समीकरण विमीय रूप से सत्य तब होगी जब ये समीकरण किस सिद्धांत की पालना करेगी, विमीय समांगता सिद्धांत। तो ये समीकरण यदि सत्य, यहां l की विमा जीरो है और RHS साइड में l की विमा है a प्लस बी, तो ये समीकरण सत्य तब होगी जब a प्लस बी की वैल्यू भी जीरो, a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर दो, यहां t की पावर वन, यहां t की पावर माइनस टू बी, तो ये समीकरण सत्य तभी होगी जब माइनस टू बी की वैल्यू भी होगी बेटा कितनी वन। यहां से अपन b की वैल्यू निकालते हैं तो b बराबर माइनस एक बट्टा दो, तो b की वैल्यू आगे माइनस एक बट्टा दो, समीकरण नंबर तीन। अब अपन को वैल्यू चाहिए किसकी, a, तो समीकरण तीन में जो b की वैल्यू है वो अपन पुट करेंगे समीकरण नंबर दो, तो समीकरण तीन से मान समीकरण दो में रखने पर, और समीकरण दो में रखेंगे तो a b की जगह माइनस एक बट्टा दो जीरो, ए बराबर एक बट्टा दो, ये समीकरण नंबर हो गया बेटा कितनी चार। अब समीकरण तीन और चार से ए और बी का मान रखेंगे समीकरण नंबर एक, तो समीकरण तीन व चार से मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण तीन और चार से मान किस में रखने पर, समीकरण नंबर एक, और समीकरण नंबर एक में इसका मान रखते हैं तो समीकरण नंबर एक में मान रखने पर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम सरल लोलक का आवर्तकाल k इंटू एल की पावर a, a की वैल्यू एक बट्टा दो, जी जी की पावर b और b की वैल्यू आई बटा माइनस एक बट्टा दो। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू k एल की पावर एक बट्टा दो, जी की पावर एक बट्टा दो, क्योंकि नीचे आएगी तो पावर किसकी हो जाएगी प्लस। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा t इज इक्वल टू के एल अपन जी की पावर एक बट्टा दो। अब जब अपन पावर हटाते हैं तो इसकी जगह अंडर रूट भी लगा सकते हैं, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा बेटा t इज इक्वल टू के इंटू एल अपन जी अंडर द रूट। ये सरलोलक के आवर्तकाल का सूत्र होता है, यहाँ तक भी करके आएंगे तो अपना क्वेश्चन सही होगा। तो सरल होला कि आवर्तकाल का सूत्र हो गया बेटा t इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी। प्रयोगों द्वारा k का मान प्राप्त हुआ बेटा 2π, और k की जगह 2π पुट करते हैं तो सरल होला कि आवर्तकाल का सूत्र t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। यही सरल होलक के आवर्तकाल का सूत्र होता है t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी, क्योंकि अपन सबको होता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो सरल होलक के आवर्तकाल का सूत्र होता है t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। इस तरीके से अपन विमीय विधि द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य क्या स्थापित कर सकते हैं, सूत्र। और विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य अपन सूत्र स्थापित करते हैं तो अपन किस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, विमीय समांगता सिद्धांत।
और विमेय समानता सिद्धांत से आपको बताया कि ये समीकरण विमेय रूप से सत्य तब होगी जब इसके दोनों पदों की विमाएँ क्या होगी, समान। ठीक है, तो जिस पर निर्भर करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है। सेकंड स्टेप में अपन ने क्या किया कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है उन सब की अपन ने क्या लिखी, विमा। विमा लिखने के बाद अपन ने तुलना करके ए और बी सी जितनी राशियों पर निर्भर करता है उनके समानुपाती करना, और इस तरीके से वैल्यू पुट करके अपन विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य क्या स्थापित कर सकते हैं, सूत्र। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।